हेलो एवरीवन। हेलो अजय गुस्से में है। हाँ तो जरा फ्रूटी मंगाना है। यस मैं जल्दी बोल देती हूँ। हाँ और क्या आज मैम साहब बहुत गुस्से में है। देखो अनार में से वो लग रहा था, थोड़ा करवाओ। वो एक दिन बाद हो गया था। हाँ हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और इसका अब इस तरह क्या ऊपर डाइट का चना ये डाइट का चना इसका उबल रहा है। और आइसक्रीम कौन सी मंगाई जा रही है? मैग्नम। फिर फायदा क्या है डाइट करके? वो मेरी वाली डाइट है। देखो मैग्नम खाएगी और डाइट करेगी। हाँ जैसे इसका जैसे इसका हाँ जैसे इसका रियल पेट नहीं निकल रहा है जैसे इसका रियल डाइट है और इसका फेक डाइट है। बहुत बासुंडे लोग। तो और क्या क्या मंगा रही? हो गया देख रही हूँ। और बोलो खाना बनते बनते खराब हो जाता है। तो है तो मैं देख के बताती हूँ। देख के देख रहा था। सिंबू मामा तुम क्या खाओगे? कुछ भी नहीं। अच्छा जान लो नींद में। ये देखो मिल गई हमारे पास राई। इतनी है राई का कोई काम नहीं है तो ये इतनी राई है। मैंने कल रात में चिकन की इतनी अच्छी अच्छी डिशेज देखी हूँ ना। तो ये राई और राई के साथ में दिखाई दे रही हूँ मैं। नहीं नहीं वो अंदर जाने की कोशिश में है। मंगा लो वो क्या चिकन। हाँ हाँ तो मंगाना लगेगा सैंडविच में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सैंडविच। तो ये पहले इसका डाइट का चना उबल रहा है। उसके बाद मैं रखूँगी आलू बने रखूँगी। तो ये सारा कुछ ये हमको घुमा हुआ फ्रिज में से घुमा हुआ ये अरे ये क्या था अरे मैंने भूल गई फ्रेंच फ्राइज जो घुमे हुए थे चीज़ के साथ मेयोनीज के साथ वो मिल गए। ये टमाटर कह रही इसके तो ये तैयारी की जा रही है अभी सैंडविच के लिए। तो मैं आलू में थोड़ा खट्टा आगे रखती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी मतलब हो जाएगा तो अंदर से भी थोड़ा पक जाएगा नहीं तो ठीक हो जाएगा। तो आज देखते हैं अभी तो बज रहा है 1:15 तो ये कितनी देर में आज तैयार होता है। अभी तो सैंडविच का खाना होता मतलब कुछ सालन चावल है दाल चावल सालन हो गया कुछ सूखा बनाना हुआ सब्जी भाजी तो उसके लिए हमको 4 बजे का टाइम लग जाता है क्योंकि तभी खाने के रहते हैं। अब देखते हैं कि ये सैंडविच के लिए आलू उबलने लग रही हूँ तो इसको कितना टाइम लगता है। और ये तो पता नहीं वो अलग जाने क्या बनाने जा रही है उसके चने वगैरह तो ये कुछ मंगाया है तो अभी वो बना के पहले खाइए फिर उसके बाद हमने सैंडविच की तैयारी करनी। तो फिलहाल तो मैं आलू उबाल रही हूँ और ये पता नहीं हम लोग फ्रिज में रख के भूल गए थे फ्रेंच फ्राइज मंगाई हुई थी मेयोनीज वगैरह के साथ में तो पता नहीं अंदर रख के हम भूल गए थे। अभी हम गए थे शायद कल परसों शायद मंगाई थी हमने तो ये अंदर रखी हुई थी अभी नज़र आई। सब चीज़ें जो हम रखते हैं खाली करके फ्रिज में रात में तो उन सब के पीछे ये हो गई थी ये अब मिली है। देखो कौन है देखो देखो कौन है। तो ये हो गया। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा नमक डालूँ सोच रही हूँ उसे डाल ही दूँ। मेरे कैट्स के बाल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं वो मुंह के अंदर तक चले जाते हैं बहुत मुश्किल होती है उनके बाल भी कटवाने हैं। इसके बाद तो मैं चलाने जा रही हूँ गैस और उस पर चढ़ा दूँगी आलू कि आज कुछ भी नहीं आज दोपहर में खाने की जगह हम सैंडविच खाने वाले हैं तो उसकी तैयारी ये जारी है। आलू वगैरह रख चुके हैं और क्या डालेंगे अपन सिर्फ आलू
नहीं नहीं आलू और ये तुराई कड़ी पत्ता डाल के उसको कड़कड़ाएंगे, मतलब बड़े बड़े वाला आलू बना के उसको बीच में रख देंगे ब्रेड के। हाँ आज हमारे चीज़ें, आज हमारे पास चीज़ भी नहीं, आज हम चीज़ मंगाना भूल गए। बताओगे नहीं तो मैं तो चार बार पूछो चिल्ला चिल्ला के क्या ऑर्डर कर रहे हैं। खत्म हो गई, खत्म हो गई। मैं तो तभी उठी थी जब ऑर्डर कर रहे थे। हाँ तो फिर आज हमारे पास चीज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम आज गरीब सैंडविच खाएंगे, बिना चीज़ वाला गरीब सैंडविच हम खाएंगे। तो अभी तैयारी जारी है, फिर अभी ये जब ये तलने को लगाएगी फिर मैं स्टार्ट कर दूँगी अपना कैमरा, ठीक है। अभी वैसे भी लहसुन छीनने में परेशान है। लड़ाई झगड़े करके बगाते हुए और बहुत बुरा इसने ठसका दी है मुझे। खांसी खांसी आ गई है, ठसका दे दी इसने बहुत बुरा। मिर्चों के ठसके उड़े हैं, एग्जॉस्ट फैन से काम नहीं चल रहा है। हमने बड़ी खिड़की भी खोल रखी है, वहाँ से भी नहीं जा रहा है। बस कहीं से एग्जॉस्ट से नहीं निकला, वो कहीं से नहीं निकल सकते, ये बोल रही तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और हमको ठसका लगे जा रहा है, ये ठसका रोक के खड़ी है बहुत देर, खांसी नहीं है, हमें खांस दी। सुबह से उठते तो बोलें क्या, पहले नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद में खाना बनाना है। यह हर रोज़ की यदि रोज़ का रूटीन है ये तो। अभी तो बज रहा है, मतलब अभी 2:20 हुए हैं, अभी थोड़ी देर में 2:30 बजेंगे। और हम लोग आज खाना नहीं बना रहे हैं, आज हम लोग बना रहे हैं सैंडविच, जिसमें कि हम भूल गए चीज़ मंगाना। चीज़ एक ही थी हमारे यहाँ, मैं पूरी दिख पा रही हूँ कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पीछे हो जा रही हूँ। तो हम लोग को मंगाना भूल गए चीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, और चीज़ एक ही हमारे यहाँ चीज़ पड़ी थी। और अब देखिए वो चीज़ किस किस से मंगाई थी, क्योंकि अब तो बाहर से और सामान तो नहीं मंगाना, जो मंगाना था मंगा ली, चीज़ भूल गए। तो अब अकेली चीज़ वो बेचारा ला के नहीं देगा, तो ऐसे ही खाएँगे सैंडविच वगैरह चीज़ के। इंशाल्लाह फिर याद रहेगा तो शाम में अगर कोई सौदा वगैरह मंगाना हुआ तो उसके साथ मंगा लेंगे। फिलहाल तो वो बनाने में लगी और बहुत ज़्यादा ठसका उठ रहा है, और मुझे भी खांसी आ गई वहाँ पर। पहले खांसी खाती, फिर कैमरा शुरू किया, फिर थोड़ा खाती, और वो तो बिल्कुल नहीं खाती। तो अभी दोनों वहाँ खड़े रह के क्या बोलूँ कि कुछ चुट चुट कर रखे थे बस दोनों बहने। तो बस अब कुछ और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाया। और हाँ मैंने बनाया नहीं, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही। आलू मैंने उबाले और अब मुझे लग रही है भूख, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ढाई बजने वाले और मुझे लग रही है भूख, क्योंकि मैंने सुबह ही नाश्ता किया था और कुछ खाया मैंने। हाँ पिटमेंट बना हुआ, वो आज पहले ये करते खा के हमको कोई इम्पोर्टेंट काम याद आया तो वो करना है। तो आज मैं यही याद करती हूँ, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, तो मुझे ख्याल से मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। नहीं, ईमानदारी से नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। तो अभी बस भूख लग रही है तो बैठी हुई है, देखो खा के घूम रही है मस्त। लोग ने चने बनाए और चने बना के खाए हैं, कम भूख लग रही है। मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कुछ नहीं, बैठी हूँ आपसे बातें करते हुए, आप लोगों से बातें करते हुए। तो अब जैसे बन जाएगा सैंडविच तो पहले मैं ही खाऊँगी, ठीक है। तो बस अभी जो मतलब हम खा लेंगे खाने, तो उसके बाद में हमको थोड़ा ज़्यादा काम करना इम्पोर्टेंट, थोड़ा कुछ बंद बुंद भी कर देंगे थोड़ा फैलो में, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो अभी उसके बाद वो करने में लग जाएंगे। अगर हो सकेगा तो मैं कैमरा शुरू करूँगी, वरना नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम परेशान रहेंगे ना। तो बात करने का मौका मिले ना मिले, फिर मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में खाना खा के, क्योंकि अब कुछ लगी बहुत ज़्यादा। तो वो जो एक घूंघट में बैठा है सैंडविच अंदर, तो वो जो घूंघट में बैठा है सैंडविच अंदर, वो अभी हो रहा है, पहला है वो। फिर वो होएगा तो फिर हम खाएंगे भूखे, यानी मैं भूखी खाऊंगी। तो फिर एक काम करिए, आ जाइए आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली में सब सैंडविच खाने। तो हम सैंडविच खाने के बाद में बेडरूम में गए, और नींद जैसा लग रहा था, क्योंकि
और रात में आँख खुल जाती है अक्सर 3 बजे, और सवेरे भी जल्दी खुल गई थी क्योंकि हमारा जो सिम्बा है थोड़ा उसको बाहर निकलना होता है सुबह, मतलब 7 बजे का तो उसको निकलना है, वो अंदर ठहरा रहेगा 5 बजे तक, 6 बजे तो उसको बाहर निकलना है, तो वैसे भी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि तो मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ। तो उसके बाद में आज अधूरी आँख खुल गई थी सुबह, बल्कि और सोना था और उसको बाहर भी निकलना था हॉल में, तो निकल के करते कुछ नहीं, यहाँ वहाँ लेट जाते हैं दोनों। तो अभी नींद से लगा था जब मैं बता रही थी कि सैंडविच वगैरह बन रहा, तो हमारे सैंडविच वगैरह तैयार हुआ, फिर हमने खाया, बहुत ज़्यादा नहीं खाया, सिर्फ एक हमने खाया और उसका एक एक बाकी पड़ा है तो वो खाना है अभी तो नहीं, शाम में बस एक ही हमको बस हो गया बना हुआ। तो लेट गई थी तो आँख लग गई थी, जस्ट अभी 5 मिनट पहले खुल गई है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आती, लेटी बस एक आधा घंटा, मुश्किल से आधे घंटे में 15 मिनट आँख लगी हुई थी, उसके बाद उठ के ऐसी लेटी हुई थी। अभी उठ के बाहर आई हूँ, बाहर जो ये पर्दा हटा हुआ था हमारा, तो काफ़ी धूप, ज़मीन भी गर्म हो गई, एकदम खड़ी नहीं हो पाती घर में, तो ज़मीन भी गर्म हो गई, तो बस फिर कुछ नहीं, उठ गई हूँ और देखूँगी जो हमने काम करना था पैकिंग का, तो वो शुरू करना है अभी, तो अभी बच्चे भी उठेंगे और फिर मैं चढ़ाऊँगी कॉफ़ी, और हम लोग सब जो पैकिंग कुछ करनी है वो मतलब थोड़ी नहीं ज़्यादा बहुत तो वही करेंगे, तो दोनों बच्चे भी करेंगे और मैं भी, और इसीलिए वो ऑफिस आज गई नहीं क्योंकि उसको घर में काम है, थोड़ा ज़्यादा अलग से काम पैकिंग वगैरह करने का, तो ऑफिस नहीं गई है आज घर में भी। तो अभी देखती हूँ कॉफ़ी चढ़ाती हूँ और फिर हम तीनों लगेंगे काम में, ठीक है, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। आप सोचते होंगे कि मैं अपना वीडियो यहीं बैठ के क्यों बनाती हूँ, तो मेरी दो एक तो फेवरेट जगह है, एक जो मैं यहाँ बैठ लेती हूँ, एक है मेरी किचन के पास की, बस ये दो जगह है फेवरेट। तो मैं यहाँ सोफे पे बैठ के बना लेती हूँ, किचन पे जब खाना बनाती होती हूँ तो वहाँ खड़े रह के बना लेती हूँ, बाकी बेड पर तो आपने ज़्यादा बार नहीं देखा होगा मुझे बैठे हुए, तो बेड पर इतना नहीं बनाती हूँ, बाकी काम करते करते बना लेती हूँ, अक्सर मेरा काम होता है खाना बनाना, वो बनाते बनाते मैं वीडियो बना लेती हूँ, या अगर सुकून से थोड़ा बैठा हुआ बनाना है, बैठ के बात करनी है आप लोगों से, तो सोफे पे बैठ के बना लेती हूँ, अक्सर रात में भी दिन में भी जब कभी भी, तो इसलिए सोफा मेरा फेवरेट है और वो किचन का हिस्सा जहाँ मैं खड़े होकर वीडियो बनाती हूँ, पकाते हुए या जो भी कुछ करते हुए, या ऐसे भी कभी दिल करता तो काम करते करते वहाँ पर मैं वीडियो बना लेती हूँ और इसका वीडियो बना रही हूँ और ये किचन साफ कर रही है। बेटर हाफ क्या बोलती थी, बेटर हाफ बेटर हाफ बोलते हैं, उसका सब मना करता है, तो भी हाफ को हाफ भी नहीं रखते, ना बोल रखते हाफ। तो आज ये कर रही किचन साफ मैं देखती हूँ और आप सब भी देखिए कि किचन कैसे साफ करती है, ऐसे काट काट के आधा यूज करती है आधा यूज नहीं करती और ऐसे खराब होती है। क्यों के ना, मैं जब सुबह चना खा रही थी ना तो हिस्सेदार आ गए थे ना चना खाने, तो ये ढेर सारे बच्चे हिस्सेदारों के लिए, मैंने कह रही थी हिस्सेदारों को खट्टा लगेगा इसलिए मैंने कह रही बचा ली। हाँ खा लेने का ना। हाँ भाई तुम्हारे को सब खट्टा वट्टा लगता है, तो ये अरे तो ये बर्तन अभी जो धोने जा रही है बर्तन, और काफी डिगार जमा हो चुके हैं और ये बर्तन काफी डिगार जमा हो चुके हैं, आराम आराम से धोएगी तो 1 घंटा लग जाएगा, और धुले थोड़े से वन धुले रखे थोड़े से, और ये सारे मैले वो कॉफी बनाने के लिए रखा हुआ है दूध, जिसको ये मैडम बनाएगी सॉरी तो ये बनाएगी कॉफी बना के हम पे एहसान करेगी वो जबरदस्ती का। और ये एक सैंडविच बनाती है थोड़ा पूरा किचन की हालत, देखो अभी किचन पूरा साफ करना है, मौका दो ना, उस दिन बनाई थी ना दोनों मई से, तो अरे रुको मुझे आता मुझे कुछ बोलने का मौका था, तो क्रेडिट मत, तो उस दिन इतना साफ सुथरा दिख रहा था, देखो अभी इतना फैला हुआ है, अभी साफ कर लूंगी इसको, पानी वाली प्लेट बनने के बाद में पानी था ना थोड़ा सी तो उसमें ही डाल दी पानी उसमें, अभी मैंने तुम्हारे साफ वीडियो में वापस देख लेना, मैंने वहाँ अरे मैं कहना थोड़ा सी पानी तो
वही अंडा दी अच्छा थोड़ा सा सबूत हो गए गवाह सबूत हो गए हो गया हो गया हो गया अब मैं बेहती काटू काटू तो ये जो है अरे अरे अल्लाह चुप रहो तो ये जो है अरे ये पूरा हो गया देखिए ये पूरा नरम हो चुका है अब जल्दी से कॉफी चढ़ा दो सिम्बू ओ सिम्बू देखो बॉक्स में बैठे हैं सिम्बू हाँ मेरे पापा मैं सिम्बा पापा मैं चांद का टुकड़ा मेरे बेटा हाँ रुको 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 ये देखिए इसने बनाया क्या बनाई थी सैंडविच बनाई क्या बनाई सैंडविच ही बनाई थी सैंडविच ही बनाई थी जल्दी जल्दी जब गैस पास हुआ कर दिया इसने कितना काला ऊपर से आगे से फिर भी हिम्मत वाली मेरी बच्ची पता आ गई मैं आगे से खाई उसने हिम्मत वाली बच्ची थी बहुत पतला क्या डाली थी इसने आलू के अंडे जैसे दिख रही चलो अब क्या डाल दो उसको फेंकने में जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है खाने के बाद तो हम काम ही कर रहे थे तो ये काम क्या हमको ये पैकिंग करनी थी ये देखिए तो ये सारा पैकिंग करनी थी आज हम इसी में बिजी हैं और अब भी बिजी हैं अभी और थोड़ा कुछ नाश्ता पानी करते बैठ गए थे जिसमें से मेरी बेटी ने जो है सैंडविच को बहुत ज़्यादा जला दिया मतलब भूख उसको बहुत तेज़ लगी थी तो ज़्यादा जल्दी करने के लिए वो उसने जला दिया तो वैसे तो खा रहे उसने लेकिन बहुत जल गया वो कड़वा हो गया तो फेंकना पड़ा और जैसे कि ये सारा ये खिलारा जो इधर पड़ा है ये सारा कुछ हमको अभी रखना बाकी है तो इतना काम हमारा बाकी है अभी इधर इधर सब जगह वो फैला पड़ा है उस तरफ और ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो हैं कपड़े तो मैं यही कहूँगी कि माशाल्लाह ये देखिए कपड़े अभी इसमें से भी हमको कम करने हैं मतलब जो हम नहीं पहनेंगे वो सारे निकाल देंगे तो यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े बस कपड़े ही कपड़े तो ये कुछ काम चल रहा है हमारा तो सारे कामों से आराम पा के ओह मेरे कैमरा फिरा हो गया तो सारे कामों से आराम पा के अभी मैं लेटी हूँ तो सारे कामों से आराम पा के अभी मैं लेटी हूँ और फिर मेरे बाल अजीब से उजड़े खुजड़े दिख रहे क्योंकि मैंने बाल बनाए ही नहीं हूँ ऐसे ही बस अरे जो मैंने नहाई थी तो ऐसे ही बालों को ऐसे ही पकड़ के बक्कर लगा के उसका गुत वगैरह कुछ भी नहीं छुड़ाया था और वो पीछे वो देखो कौन बैठी है कि फ़ोन चला रही है ओए वो पर्दे के पीछे छुप के फ़ोन चला रही है आगे इसका थंबनेल भी बहुत अलग और बहुत अच्छा बना था और ये जो इतने नाक पे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फ्री कैट्स के बारे में वो बहुत परेशान करते हैं नाक पे से लग रहा है कि जैसे वो रखे हुए नाक पर हिल रहे तो बस कुछ नहीं हो गया सारा काम जो पैकिंग वगैरह करना था वो भी हो गया और लेट के आराम कर रही हूँ अभी बस आराम के करीब सो जाऊँगी तो खाना वगैरह अभी कुछ भी नहीं खाया जो हमने सैंडविच बनाया था वो रखा है मगर खाने का दिल नहीं किया अभी तो मैंने खाया भी नहीं इसने खा लिया ये दोनों ने खाया ना हाँ तो ये दोनों ने खा लिए मैंने नहीं खाई और मैं ये कंबल सा लेके लेती हूँ और ये लोग ने ऐसे ही चालू करके मेरे ऊपर जुल्म कर दिए है जुल्म सितम को पहाड़ तोड़ दिए वैसे भी पंखे की आवाज़ से मैं ये उड़ के लेती हूँ और लोगों ने ऐसे भी चालू कर दिए तो जुल्म कर दिए मेरे ऊपर मतलब कुछ भी नहीं तो आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए माई यूट्यूब फैमिली और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में ये ब्लॉग में तब तक के लिए गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़।